दमक दम 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 के गा इंडिया, चम चमक चम 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 के गा इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में आपका स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र में घर घर से निकलने वाले गीले कचरे को घर पर ही खाद बनाने के लिए नगर निगम द्वारा सभी घरों में प्रायोगिक तौर पर मुफ्त में कंपोस्टर दिया जा रहा है, जिससे लोगों से अपेक्षा है कि अपने घर पे खुद ही खाद बनाएं और अपने बगीचे और में उपयोग करें। इसको तैयार करने के लिए सीधी सी प्रक्रिया ये है कि 5 ग्राम गुड़ बाल्टी के तल्ले पे डाल दें, उसके ऊपर लिड डाल दें, लिड के ऊपर पेपर की एक परत बिछाकर उस कंपोस्टर डालें। कंपोस्टर के ऊपर कचरा डालें, कचरे को फिर से उसके ऊपर कंपोस्टर से ढक कर बाल्टी का ढक्कन बंद कर रख दें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक आपकी बाल्टी भर ना जाए। बाल्टी भरने के बाद इसे किसी छायादार स्थान पर रख दें, 15 दिन के लिए छोड़ दें। 15 दिन पश्चात ये कचरा डिकम्पोज होकर इसमें लीचेट बन जाएगा। लीचेट नीचे से निकाल के आप अलग से उसे कीटनाशक के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, और जो डिकम्पोज कचरा है उसे गमले में डालकर उसके ऊपर एक कोकोपीट की परत डाल दें और ढक दें, जिससे 15 दिन के पश्चात यह अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे आप अपने फूल पौधों पर उपयोग कर सकते हैं। नगर निगम सिंगरौली स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में भाग ले रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर से निकलने वाले गीले कचरे से घर पर ही खाद बनाएं और अपने बाग बगीचे में इसका उपयोग करें। स्वच्छ सिंगरौली, स्वस्थ सिंगरौली।